तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किए थे कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, जब भी मैं अपना फेसबुक जो फेसबुक को ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसमें अगर आप जीमेल पासवर्ड डाल के अगर आप लॉगिन करते हो तो आपके पास कुछ गाइज इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन एरर एंड इस तरह का आपको आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो क्या इसका रीज़न है, आप इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, सो गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ट्रिकी ट्रिकी चीज़ आपको यहाँ पर और यहाँ से बेस्ट बेस्ट अपडेट आपको दिया जाता है जो भी इंस्टाग्राम रिलेटिव फेसबुक रिलेटिव एंड ऑल सोशल मीडिया के रिलेटिव। तो गाइस आपको सिंपली मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप में जिस तरह बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस जो आप फेसबुक को यूज कर रहे हो उसको अगर आप फेसबुक को ऑफिशियल अगर यूज करना चाहते हो तो उसको आपको सिंपली से क्या करना है, बेटा वर्जन ज्वाइन करना है। कि आपको इसमें बेटा वर्जन का ऑप्शन आएगा, यानी कि इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर बेटा वर्जन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेनी है, तब जाके आप इसको आराम से लॉगिन कर पाओगे। नहीं तो यार अगर आप चाहते हो कि बेटा वर्जन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं जो यूज़ करता हूँ अभी भी यूज़ करता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कम फाइल का है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा सुविधा भी मिलने वाला है। तो आपको फेसबुक लाइट आपको यूज़ करना है, FB लाइट, ओके गाइज। और इसमें आप अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको 100% ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ये मेरा लाइव प्रूफ है गाइज। अगर आप कर सकते हो तो करके ट्राई कर लेना, अगर नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट में गालियां दे सकते हो यार विश्वास नहीं है तो आप, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली से 2 MB का ये फाइल है, यानी कि 3 MB मैक्सिमम ये फाइल है गाइज, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, इसका साइज़ है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लॉगिन करोगे 100% ये लॉगिन हो जाएगी। और उसके बाद गाइज इसको जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे एक दो काम और करना है जिसको आपको करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को वही फेसबुक यूज़ करना है जो फेसबुक का जो बड़ा जो ऑफिशियल है तो आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करना है, अपना फ़ोन का सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको मोड सेटिंग या फिर किसी ऐप मैनेजर का ऑप्शन होगा आपके फ़ोन में, अगर आप वीवो फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप में मोड सेटिंग होगा। तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली से कर देनी है क्लिक। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यार यहाँ पर आपका फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट ले जाएगी, यहाँ पर जितना भी आपका फ़ोन में एप्लीकेशन है सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपको किस में क्लिक करना है सो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर फेसबुक को ढूंढना है कि मेरा फेसबुक कहाँ है, तो अगर आप ऑफिशियल फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, ठीक है। नहीं तो अगर आप फेसबुक लाइट यूज़ करिए कीजिएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बड़ा वाला फेसबुक आने के जो ऑफिशियल है उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, इस फेसबुक को क्लिक करना है। तो गाइज आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मैनेज स्पीड एंड क्लियर कैच कर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप टोटल परमिशन आपको दे देना है जितना भी है, यहाँ पर टोटल परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पर डाटा यूज़ में क्लिक करना है। सबसे मेन रीज़न यही होता है यार, अगर आप लोग का ये ऑफ होगा तो इसको चेकआउट जरूर करना है, क्योंकि अगर ये ऑफ होगा तो आपका ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। आपको सर्वर प्रॉब्लम का नोटिस आने इंटरफेस आएगा और आपके प्रॉब्लम होगी, आपको ओपन होने में दिक्कत होगी, ये बहुत मेन रीज़न होता है कि अगर आपका ये ऑफ होगा तो आपका ये इसको ऑन कर लेना इस तरह करके। तो आपको गाइस 100% एंड गारंटी देता हूँ कि आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको करने के बाद उसके बाद एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट यानी कि रिबूट कर लेना है, क्योंकि रिबूट करने से यह होता है कि आपका फ़ोन एक बार रिफ्रेश होकर ओपन होती है और आपका जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा इंस्टाग्राम है ना गाइस, इंस्टाग्राम में आप मैसेज करो मेरे से डायरेक्ट मैसेज करने के लिए, अगर कुछ भी मुझसे बात करना है तो मेरे से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आई डी TechGuruRahul2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो TechGuruRahul2 मेरा इंस्टाग्राम आई डी है, मेरे से डायरेक्ट मैसेज करने के लिए फॉलो करें। तो आई होप गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होगा, नॉलेजबल प्लीज़ यार लाइक करना, अभी चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो सलामत रहो, अपना बहुत ख्याल रखो।